यस सर वेरी 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 गुड आफ्टरनून आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होने वाला है इस हैशन के अंदर में आज का जो पहला टॉपिक है वो है एक और बड़ा टॉपिक एंड दैट इज कैपिटल गेन्स आपको अगर याद होगा तो इसके पहले हम लोगों ने करीब छह टॉपिक को खत्म कर दिया है दैट इज बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जम्शन सैलरी एचपीएन पीजीबीपी आज का टारगेट है हम लोग इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल गेन और उसके आगे के टॉपिक तो आर यू रेडी और अगर आप रेडी हो चुके हैं अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए सारे दोस्तों को ये मैसेज भेज दीजिए जितने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उनके भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे को इसका लाभ मिले चालू करने से पहले जो बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है उनको बता दू कि इसका पी आपको वील एन की फ्री रिसोर्सेज पे अवेलेबल होगा या आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ले सकते हैं जो इसकी वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है सो उम्मीद करता हूं कि भैया आज आप रेडी होंगे चालू करने से पहले सभी लोगों को बता दूं कि भैया टारगेट बड़ा सिंपल है अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने के है फटाफट और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कुछ एमसीक्यू हम करेंगे कुछ एमसीक्यू आपको एज अ होमवर्क देंगे ताकि आप भी इसे कर सके यस yes, मालिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर सेवन कैपिटल गेन के ऊपर आ जाइए कैपिटल गेन हम लोग को करना होगा बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर इनमें से क्या चीज ट्रांसफर मानी जाएगी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट इन अ रिवर्स मॉडगेज स्कीम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और इरिवोकेबल ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ इक्विटी फ्रॉम प्रेफरेंस और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड वैसे इसका आंसर होना चाहिए डी रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज ये पहले जो तीन है सेक्शन फोर्टी सेवन बोलता है दीज आर नॉट ट्रांसफर ये पहले तीन जो है ये नॉट अ ट्रांसफर वाले केस है तो लास्ट वाला जो है ये क्या है बेटा ट्रांसफर वाला केस बनेगा यस yes, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और ये मान के चलिए कि आपका ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन चालू है तो आप बिल्कुल अपने इनबॉक्स को जैसा कि कल हम लोगों ने किया था आप अपने इनबॉक्स को क्या करते रहेंगे आप आप ऐसा जो भी आपका आंसर आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर के साथ आप उसका मैच करते जाएंगे आज भी बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट वीडियो की तरह आपका क्या नहीं रुकना चाहिए आंसर नहीं रुकना चाहिए सेकेंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर ऑन विच एस टी टी इज पेड आपको नहीं लगता डायरेक्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन परसेंट का कौन से सेक्शन की बात चल रही है सर हंड्रेड एंड इलेवन ए लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी रिकॉर्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन ट्वेंटी फोर मंथस याद रखिए लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए ट्वेंटी फोर मंथस का क्राइटेरिया होता है तो यहां पर भी हमारा क्या रहेगा ट्वेंटी फोर मंथस का क्राइटेरिया फोर्थ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल असेट वुड बी डेप्रिसियबल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो नेचर ऑफ गेन क्या आएगा जल्दी से आप सोच करके बताइए अगर आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हैं और ये डेप्रिसिएबल असेट है जिसपे डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है तो इसे क्या माना जाएगा बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज कौन सेक्शन का रेफरेंस ले रहे हैं हम यहाँ पे सेक्शन फिफ्टी का रेफरेंस ले रहे हैं कि बॉस अगर कभी भी अगर कभी भी बॉई साहब क्या चीज बेटा डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर होता है तो इसे जो गेन होता है ये हमेशा कौन सा रहेगा शॉर्ट टर्म क्वेश्चन नंबर पांच पे आ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर पांच अच्छा क्वेश्चन है प्लीज चेक करिएगा अंडर सेक्शन 15 गाइडलाइन वैल्यू फॉर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 50 सी 50 सी की बात चल रही है द गाइडलाइन वैल्यू ऑफ स्टैप ड्यूटी वैल्यू इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसन आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे कब ले लेंगे सर जब आपका असेट का जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ये एक्सीड कर जाए हंड्रेड एंड फाइव परसेंट ऑफ कंसिडरेशन से वैसे अमेंडमेंट के बाद इसे 110 परसेंट होना चाहिए ना कि 105 ऑप्शन में सिर्फ 105 को 110 कर दीजिए रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम ऑप्शन में बस 105 को 110 कर दीजिए रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स वेयर देर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट बाय पार्टनर टू फर्म पार्टनर टू फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज क्या कंसिडरेशन लिया जाता है वैसे मैं सेक्शन की बात बता दूं ये सेक्शन बात कर रहा है सेक्शन 45 फाइव सब सेक्शन थ्री की जब पार्टनर किसी फर्म को ट्रांसफर करता है वट एवर इज द बुक वैल्यू ऑफ द रिकॉर्डेड इन फर्म इज रिकॉर्डेड एज फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सो वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी योर आंसर वॉट एवर इज द वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन 54F, कैपिटल गेन आर एक्समटेड कैपिटल गेन एक्समट होगा फिफ्टी एफ याद करो फिफ्टी एफ में क्या था कुछ भी बेचो लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ करके और क्या खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी छोड़ करके आप कुछ भी बेचो और बदले में आपको क्या लेना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सो कैपिटल गेन आर एक्जम्प्ट इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इज इन्वेस्टेड इन अनादर रेसिडेंशियल हाउस नहीं ये तो फिफ्टी वाला है long term capital gain or transfer of capital asset other than a residential house is invested in acquisition of one residential house situated in or outside india third net sale consideration on transfer of capital asset other than a residential house in invested in acquisition of one residential house situated in india answer is b answer is b 8th under section 54 ec capital gain on transfer of land and building or both are exempted if invested in bonds issued by nha or rec और अदर नोटिफाइड बॉन्ड कितने दिन में इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आपको याद होगा तो 54 फोर ईसी कहता है द द इन्वेस्टमेंट बी मेड विद इन मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर द इन टू बी मेड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा ए फटाफट मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करते जाइए साहब यस जल्दी से कमेंट करते जाइए और बताते जाइए नाइन्थ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम याद होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आंसर तो दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिख रहा है बोथ भी दिख रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा बोथ होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू कैपिटल सेट बींग गुडविल ऑफ बिजनेस गुडविल ऑफ बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लिया जाता है वैसे मैं आप सभी को बता दूं अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है इन केस ऑफ गुडविल तो इसका आंसर क्या होना चाहिए नील होना चाहिए ऐसा सेक्शन 49 हमसे कहता है डील विथ सेक्शन 55 क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एज पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 के हिसाब से यस, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन शैल बी कन्वर्टेड एट कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन को पे कन्वर्ट किया जाता है जब हम फर्स्ट प्रोविजो लगाते हैं सेक्शन 48 का कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन इज कन्वर्टेड एट एवरेज ऑफ टी टी बी आर टी टी एस आर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सो आंसर शुड बी सी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 बेटा आपको याद हो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 हमसे बात करता है इंडेक्सेशन की हमसे किस बारे में बात करता है इंडेक्सेशन की तो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 एट इज एप्लीकेबल वाइल कंप्यूटिंग बताइए सेकंड प्रोविजो जब हमको इंडेक्सेशन लेना होता है नेचर ऑफ एसेट क्या होना चाहिए ओनली लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ या नन ऑफ अबाव इसका आंसर तो कोई बच्चा भी नींद में दे सकता है सी वाला ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सी वाला बिल्कुल दे देगा सीएमए वाला भरपूर दे देगा कहीं कोई तकलीफ नहीं है सी आई आई फॉर द असेसमेंट इ्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एवरीबाडी सी आई आई फॉर द असेसमेंट इ्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री बोलो सी आई आई फॉर द असेसमेंट इ्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री क्या मैं कह सकता हूं थ्री वन सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एस टी टी पेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट शेल नॉट बी डैश फ्रॉम सेल प्राइस शल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम सेल प्राइस अगर आपको याद हो तो दिस इज एस पर सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 48 एट सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट कहता है एस टी टी जो आप पे कर रहे हैं इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फिफ्टींथ एमसीक्यू बेटा मैं सही जा रहा हूं मैं स्पीड तो नहीं जा रहा सभी लोग एवरी बेटा मैं स्पीड तो नहीं जा रहा अभी तक आपका मेरे को वीडियो के ऊपर लाइक नहीं दिख रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो हमारी मेहनत भी उतनी बड़ी है आप आपकी मेहनत भी उतनी हमारी मेहनत भी उतनी है जल्दी से लाइक ठोको वेन गुडविल ऑफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड इट शेल बी वैल्यू डेट गुडविल ऑफ बिजनेस जब आप एक्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या जाता है देखिए अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है तो इसका वैल्यू जो होता है ये एक्विजिशन कॉस्ट होता है बिकॉज बी सी श्रीनिवास शेट्टी का केस था कि भैया प्रोफेशन का गुडविल आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते बाकी बिल्कुल कर सकते हो एक्विजिशन कॉस्ट अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका एक्विजिशन कॉस्ट लिया जाता है यस yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 18 तक के आप लेंगे होमवर्क दिज आर वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन आप आराम से इसे कंप्लीट कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 द रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी डिफाइंड अंडर हंड्रेड एंड इलेवन एज फिफ्टीन परसेंट चैप्टर सिक्स से डिडक्शन डैश ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिलते हैं जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने वाले होते हैं हंड्रेड एंड इलेवन ए के अलाउड या शेल नॉट be अलाउड इसका आंसर है shall not be allowed. वैसे मैं आपको बता पूरे चैप्टर का कोई नहीं मिलता जब आप की इनकम करते रहते हैं हैं जब आप की इनकम करते रहते पूरे चैप्टर सिक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे भी आ चुके हैं करीब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ट्वेंटी आ चुके हैं आप ये मान के चलिए कि भैया ट्वेंटी परसेंट ऑलरेडी खत्म सेक्शन 112 इज एप्लीकेबल ओनली इफ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड असेट रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112 तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा है पर इजी है स्लम सेल इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 50 बी स्लम सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो डील करता है सेक्शन फिफ्टी बी के साथ क्वेश्चन नंबर अंडर डी डी इज एप्लीकेबल कब लगता है मैं आपको बताता जनरली हम कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं लेकिन अगर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ता है और यही चीज लिखी है फिफ्टी डी में तो जब कंसिडरेशन इज नॉट असर्टनेबल कंसिडरेशन के नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ यो ईधर ए और बी वैसे इसका आंसर है डी ईधर ए और बी या तो कंसिडरेशन ही नहीं निकल पा रहा या कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा तो दोनों केस में आप क्या अप्लाई करते, करते हो बेटा फिफ्टी डी को अप्लाई करते हो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम के लिए कौन सा सेक्शन अपलिकबल है वैसे मैं आपको बता दूं जनरल टैक्सेबिलिटी 45 में कवर होती है और इंश्योरेंस क्लेम जो होता है ये 45 फाइव वन ए में कवर होता है सो so, इसी के लिए सेक्शन 45 फाइव वन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश शेल बी डीम टू बी सेल कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन अंडर फोर्टी फाइव है फोर्टी है मतलब इंश्योरेंस कंपनसेशन के केस में जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने जाएंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ा जाएगा किसी को कुछ याद आ रहा है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चाहिए मेरे को जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर चाहिए मेरे को बोलो बोलो एवरीबॉडी आपको नहीं लगता मनी रिसीव्ड yes. और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इसलिए यस क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 प्लीज अगेन टेक इट एज होमवर्क दोनों इजी और दोनों इंश्योरेंस से रिलेटेड है 28 व्हाट शैल बी सेल कंसीडरेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड कौन सा सेक्शन की बात चल रही है बात चल रही है सेक्शन 45 सब सेक्शन सेल कंसिडरेशन क्या माना जाता है कैपिटल असेट का जब वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है आपको अगर याद होगा अगर यू नो कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है मालिक अगर क्या बेटा आपका सेल कंसिडरेशन कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन एक बात याद रखिए जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहते हैं ना तो आपको वो चैप्टर पहली बात तो पूरा पता होना चाहिए आपने एक बार उसे रीड कर लेना चाहिए तब आप एमसीक्यू को फटाफट सॉल्व कर पाएंगे और एमसीक्यू सॉल्व करने के वक्त आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भैया कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा दिमाग में है मान लीजिए अगर आपको इस, इसको फटाफट रिवाइज करना है तो मेरा डी का चार्ज जो आपके पास होगा राइट डी का चार्ज भी आप क्या कर सकते हो फटाफट रिवाइज करवा सकते रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के ऊपर आ चुका हूं मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के ऊपर आ चुका हूं मैं इज द ओनर ध्यान से सुनिएगा ए इज द ओनर एज द ओनर ऑफ अ कार एज ऑन फर्स्ट एप्रिल स्टार्ट द बिजनेस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ मोटर कार्स ही ट्रीड्स द अबाउट कार एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ इज न्यू बिजनेस द कार इज एक्वायड फॉर टू लैक एंड द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज टू फिफ्टी ऑन द सेल ऑफ कार एज हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड वट इज द अमाउंट शेल बी चार्जेबल टू टैक्सिटल गेन याद होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दनवर्जन इज टेकन सो इट शेल बी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड कौन सेक्शन फोर्टी फाइव सबसे वट डज सेक्शन फोर्टी फाइव थ्री ऑफ द इनकम टैक्स टेट फोर्टी फाइव थ्री किस बारे में बात करता है फोर्टी फाइव थ्री आपसे बात करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटलर टू फर्म एक मिनट यहां वाला भी हमने इसी पॉइंट पर डील किया था यह वाला क्वेश्चन भी इसी पॉइंट पे आया है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट बाई मेंबर ऑफ एओपी बीवाई टू एओपी बीवाई ट्रांसफर ऑफ यू नो कैपिटल सेट बाय मेंबर टू फर्म होना चाहिए एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट बाय पार्टनर टू फर्म होना चाहिए आज का आंसर होना चाहिए सी एनी ऑफ द अबाउ क्योंकि ये सेक्शन फर्म को भी एप्लीकेबल है ये सेक्शन ट्रांसफर टू बीओआई को भी एप्लीकेबल है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सी यस चलिए

स कंपनेशन और पार्ट देर ऑफ रिसिवी शेल बी टैक्सेबल एनहानस कंपनेशन वो कंपनशन होता है जो आपके ओरिजिनल कंपनशेशन मिलता है आपको लगता है यह कंपनशन अगर कम है तो आप सरकार के पास जाते हो सरकार को बोलते हो भाई साहब मेरा कंपनसेशन बढ़ा करके दे दो और सरकार अगर आपका कंपनशेशन बढ़ा करके दे देती है तो इसे आप कहते हैं एनहांस कंपनेशन एनहांस कंपनशेशन उस साल में टैक्सीबल है जिस साल में यह एक्चुअली रिसिव होता है ऐसा सेक्शन वन फोर्टी फाइव सब सेक्शन टू भी कह चुका है सो so, येस yes,

बेस्ड है सेक्शन नंबर फिफ्टी फाइव के ऊपर जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर जल्दी बताइए एडवांस मनी फॉरफिटेड रिलेटिंग टू कैपिटल असेट शैल बी ट्रीटेड अंडर द हेड एडवांस मनी जो आप फॉरफिट करते हैं वैसे अगर ये फॉरफीचर आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन हुआ है तो सॉरी आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन हुआ है तो इसे कहाँ डाला जाता है अदर सोर्सेज में सो आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन अगर हुआ है तो इसे अदर सोर्सेज में डाला जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अगेन वही चीज़ है अमाउंट फॉरफिटेड बिफोर टू थाउजेंड फोर्टीन क्या होता था इसे कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू या डब्ल्यू डी वी में से रिड्यूस किया जाता था सो इट शैल नॉट बी डिडक्टेड इट शैल बी डिडक्टेड It shall be added, answer is B, it shall be deducted from cost, fair market value or WDV. From cost, fair market value or WDV. 37. What is the amount of exemption available under 54 when the amount invested is more than? कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड अगर कैपिटल गेन से ज्यादा है तो भी एक्जम्पन कितना मिलेगा वैसे मैं आपको याद दिला दू इवन इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज मोर देन कैपिटल गेन द अमाउंट ऑफ एग्जम्पन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर आंसर वुड बी बी द होल ऑफ कैपिटल गेन क्योंकि आपका अमाउंट इन्वेस्टेड ज्यादा है कैपिटल गेन कम है तो कैपिटल गेन जितना अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा एग्जम्पन मिल जाएगा एग्जम्पन अंडर 54 बी 54 बी क्या था आपको याद है एग्रीकल्चरल लैंड के बदले में एग्रीकल्चरल लैंड आपके जवाब नहीं आ रहे एग्रीकल्चरल लैंड के बदले में क्या बेटा एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड के बदले में एग्रीकल्चरल लैंड अब आप बताइए एग्रीकल्चरल लैंड के बदले में एग्रीकल्चर लैंड असैसी कौन है वैसे अगर आपको याद दिला दूं यहां पे असैसी है इंडिविजुअल और एच क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और के लिए अवेलेबल है थर्टी नाइन एज होमवर्क फोर्टी एज होमवर्क फोर्टी वन एज होमवर्क कम टू फोर्टी टू फॉर क्लेमिंग एग्जम्शन अंडर फिफ्टी फोर बी दसेस शुड एक्वायर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एनी एग्रीकल्चरल लैंड एनी अदर असेट आंसर इज एनी एग्रीकल्चरल लैंड बेचते वक्त आपको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड लेना है खरीदते वक्त आप अर्बन भी ले सकते हो रूरल भी ले सकते हो सो आंसर इज एनी एग्रीकल्चरल लैंड फोर्टी थ्री चलो कम ऑन फोर्टी थ्री आप सभी को इसको सॉल्व करना है जल्दी से बताइए फोर्टी थ्री का आंसर क्या होना चाहिए विशाल ध्रुव हर्षिता विश्वजीत बहुत सही कर रहे हो करते जाओ बेटा बिल्कुल नहीं रोकना इधर शिपुन अभिषेक शोभी स्वाति आप लोग बहुत सही कर रहे हो कमेंट करते जाओ फटाफट इससे आपको हैबिट होगी कि आप क्या करते जाए फटाफट लिखते जाए और प्रोसेसर को भी स्पीड में चलाते जाए आपके दिमाग के प्रोसेसर को जल्दी से बताइए न्यू असेट एक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एग्जाम्शन अंडर 54, 54 बी 54 डी इफ ट्रांसफर्ड विद इन थ्री ईयर विल रिजल्ट इन अगर आप क्या कर देते हैं नया असेट जो आपने एक्वायर किया है आप इसे ट्रांसफर कर देते हैं अंडर सेक्शन 54, 54 बी 54 डी तो जो आपने जितना एग्जाम्शन क्लेम किया था उतना असेट की कॉस्ट से रिड्यूस होता है जितना आपने एग्जाम्शन पहले क्लेम किया था उतना असेट की कॉस्ट से क्या होता है रिड्यूस हो सकता है इसीलिए इसका आंसर है डी ये एक अच्छा एमसीक्यू है एक अच्छा एमसीक्यू है इट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सॉरी इट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ अ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर टू थाउजेंड वन अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने 2001 से पहले किया है तो बताइए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा क्या मेरे बच्चे नहीं इट हैज टू बी इग्नोर्ड इट हैज टू बी इग्नोर्ड फोर्टी फाइव पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ बोनस शेयर और एनी अदर फाइनेंशियल असेट अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट शैल बी रिकूर्न फ्रॉम क्वेश्चन है पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्वेश्चन है पीरियड ऑफ होल्डिंग का कि अगर बोनस शेयर बोनस शेयर यू नो आपको मिलते हैं तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट किया जाएगा उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट किया जाएगा 45 उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से काउंट किया जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से क्योंकि जिस दिन से आपको बोनस मिलता है जिस दिन से आपको क्या मिलता है बेटा बोनस मिलता है उस दिन से आप क्या करते हो बेटा आपको यह बेनिफिट मिलना शुरू होता है डन फोर्टी सिक्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट विल इिव्योकेबल ट्रस्ट शैल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर आंसर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर कौन से सेक्शन का बेनिफिट बात कर रहे हैं हम सेक्शन 47 जो एक बहुत लंबी लिस्ट देता है ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर बहुत खूब बेटा करीब करीब 65 में से हम लोग ऑलरेडी 45 पे आ गए जस्ट 20 एमसीक्यू हम दूर है और हमारा कैपिटल गेन का एमसीक्यू पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन में क्वेश्चन वाले पार्ट को थोड़ा सा हटाया है क्योंकि वो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है इज इज चेंजिंग एवरी ईयर तो वो मैंने मेरे क्वेश्चन क्वेश्चनर डिस्कशन के अंदर में रखा हुआ है यहां पे बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्डे वो सारे इंसर्ट कर दिए 47, 48 दोनों भी आप होमवर्क लीजिए क्योंकि ये दोनों भी सेक्शन 47 से डील करते हैं अगेन बोथ ऑफ देम आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर राइट प्रोवाइडेड इस केस में 100% परसेंट सब्सिडी होगा Yes, and 48 के केस में कॉस्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमल गंपनियों का फोर्टी नाइन इफ द शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर शेयर भी मान लीजिए डिवेंचर है ध्यान से सुनना बेटा डिवेंचर है जो काय में कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है कभी ना कभी फ्यूचर में तो यह शेयर सेल होगा जब भी फ्यूचर के अंदर में शेयर सेल होगा यस yes, जब भी फ्यूचर में शेयर सेल होगा कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ शेयर इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए यू नो सी द कॉस्ट ऑफ ऑफ एक्विजिशन डिबेंचर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हाफ सेंचुरी पे आ चुके हैं हम लोग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईसॉप इेल बी ईसॉप का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाता है वैसे आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डील करता है फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी फाइव राइट right? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईस का वो होता है जितना परक्विजिट्स में टैक्सेबल हुआ होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट विल बी रिगार्डेड एज कॉस्ट यस सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आंसर वुड बी ए उसमें से कॉस्ट रिड्यूस करने का कोई पार्टी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कहां कर देते हो सैलरी में कर देते हो फिफ्टी वन वेयर एनी कैपिटलेशन क्या पकड़ा जाता है फेयर मार्केट वैल्यू एज मे बी डिटरमाइंड अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अब जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा एज मे बी डिटरमाइंड वही क्या किया जाएगा कंसिडर किया जाएगा बहुत बढ़िया बाकी के सभी लोग फटाफट आप क्या करते रहो बेटा रिप्लाई करते रहो फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी फोर प्लीज टेक इट एज होमवर्क तीनों भी बहुत ईजी और आप आरा आराम से कर पाओगे फिफ्टी फाइव अमाउंट अनयूटिलाइज इन कैपिटल गेन स्कीम फॉर विच एग्जम्पन वॉज क्लेम्ड अंडर फिफ्टी फोर शल भी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अमाउंट अनयूटिलाइज रह गई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में जो अमाउंट अनयूटिलाइज रह गई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में शल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ बताइए कौन से ईयर का इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जैसे ही थ्री आपके खत्म होते हैं डिपॉजिट के वैसे ही आपका अगर कोई भी अन अमाउंट बचता है तो ये क्या माना जाता है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है इसी के लिए इसका आंसर सी होना चाहिए फॉर क्लेमिंग एक्समशन फिफ्टी फोर बी द न्यू एग्रीकल्चर लैंड शुड बी परचेज विद इन टू ईयर याद आ रहा है इट मस्ट बी परचेज विद इन टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर यस, yes. सेक्शन 57 सेवन या पॉइंट क्वेश्चन नंबर 57 सेवन अंडर 54 डी इज अवेलेबल इफ देयर इज सर 54 डी क्या था इंडस्ट्रियल लैंड कंपलसरीली एक्वायर किया हो और उसी के बाद में जो गेन आया उसको आप कहां कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो 54 डी की अगर फिफ्टी डी की अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें आंसर आना चाहिए एस ओनिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल एच नहीं है यहां पे है एनी एस एस डी एक्जम्शन अंडर सेक्शन 54 डी इज अवेलेबल इफ देर इज अ ट्रांसफर कंपलसरी एक्विजिशन या सेल वैसे मैं आपको बता दूं यहां पे होना चाहिए कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच वॉज यूज फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सो अगेन फिफ्टी डी कंपल्सरी एक्विजिशन की एक्विजिशन की बात करता है फिफ्टी नाइन एक्जन अंडर फिफ्टी फोर ईसी शेल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्जन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ईसी शेल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ बताइए लैंड एंड बिल्डिंग एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस लैंड एंड बिल्डिंग यस. यसटी टेक इट एज होमवर्क सिक्सटी वन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेयर एस टी टी इज एज पर हंड्रेड एंड ट्वेल्व वे शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन एक्जाम एक्जाम इज सोल्ड आफ्टर टू थाउजेंड फोर एग्जाम्ट इफ सोल्ड आफ्टर टू थाउजेंड फोर थ्रू अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अप टू वन लैक वैसे इसका आंसर होना चाहिए ए बाकी के तीन कोई ही पार्ट नहीं है सिक्सटी टू एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड शेल बी टैक्सेबल बोलो भाई एट द रेट ऑफ टेन परसेंट वेट उनने शॉर्ट टर्म कैपिटल बोला है आई करेक्ट माई आंसर फिफ्टीन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एस टी टी पेड है इक्विटी शेयर है तो आपका फिफ्टीन परसेंट आएगा सिक्सटी थ्री यूलिप इशूड आफ्टर टू थाउजेंड फोर टू विच एग्जामिशन अंडर टेन टेन डी डज नॉट अप्लाई शेल बी ट्रीटेड एज अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ स्लम सेल फिफ्टी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेल बी फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वे आर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन फोर टू थाउजेंड वन इज अवेलेबल देन फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर अमेंडमेंट बेस्ड है विच एवर इज हायर वेट इसका आंसर होना चाहिए विच एवर इज लोअर डी यस प्रभु सर यूलिप का मतलब मेरे भाई सच में तेरा अटेम्प्ट अभिषेक सच में तेरा अटेम्प्ट है ना अमेंडमेंट है भाई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप ऐसा मत कर मेरे भाई सोचो so, फाइनली हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है दैट इज कैपिटल गेन का एमसीक्यू कैसा फील कर रहे हैं आप शुरुआत हुए वे, अभी हमें कुछ ही देर हुई है

stamp duty value is available. fair market value cannot exceed stamp duty value. if as on one 4 2001 fair market value cannot exceed stamp duty value. if stamp duty value as on one 4 2001 is available. so again, it was amendment based. yes. bhachandar. let us come to the last head.